गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग कुछ खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाहर निकले हैं। तो जा रहे हैं मार्केट की तरफ। और रिक्शा ऑफ्सा सब चल रहा है, इजी है, लाइफ इजी हो गई है थोड़ी सी। अब हम जाते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं आज के लंच का जुगाड़ करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। और देखिए कितनी मोटी सांड जा रही है। ये सांड है, क्या बोलते हैं? रोड पे इतनी गाड़ियां चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन। हाँ, पता ही नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन। रिक्शा वाले बता रहे हैं कि सुबह के समय में ज्यादा फ्री होता है। हाँ। इसलिए फ्री है। हम लोग तो डर से निकलते ही नहीं थे। हाँ। निकलते भी थे तो साइड से निकल के साइड से वापस। हाँ, अभी रोड से चल रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत भीड़ है, सब कुछ मिल रहा है। कितनी गाड़ियाँ चल रही है, कितने बाइक चल रहे हैं। तो आप लोग तो हमारे चैनल्स को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। बट एक प्रॉब्लम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि हमारा जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हमें भी खुशी मिले। और ऑब्वियसली आप लोग को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है। बिल्कुल। हम लोग अभी समस्तीपुर के मेन एरिया में आ चुके हैं। आप ये देखिए इधर जो पटेल फील्ड, कल आपने कल की वीडियो में देखा होगा, पटेल फील्ड अंदर का मैंने दिखाया था। चारों तरफ सुबह सुबह चक्कर लगा रहे थे और इसके बाहर स्टेडियम मार्केट वार्केट लगे हुए हैं। तो इसमें कुछ दुकान खुली हुई हैं, कुछ दुकानें नहीं खुली हुई हैं। और ये सामने देखिए वो उस ब्रिज को पार करके आप लक्ष्मी टॉकी सिनेमा हॉल जा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद इस तरह घूमने में। पता नहीं पुलिस पकड़ के पीठ पर डंडे लगा दे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है, डंडा लगाएगी तो सिकाई होगी। इस सुबह सुबह कितनी भीड़ है अभी। इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पे? अच्छा, इंडिया गेट बना हुआ है यहाँ पे। ओहो, अच्छा। ये देखिए बैंक की लाइन देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की लाइन है, ये पोस्ट ऑफिस की लाइन है। पोस्ट ऑफिस में लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये देखिए ये जो फ्लाई ओवर जा रहा है, इस साइड से हम लोग जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे, फ्लाई ओवर सीधे पार करके आप लोग जो रेल पटरी है उसको पार करते हैं और उस साइड चले जाते हैं गंडक नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक नदी किनारे। और ये हम लोग कोर्ट एरिया में आ गए हैं, समस्तीपुर का कोर्ट एरिया है। तो यहीं पे कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, तो वकील यहीं बैठते हैं। तो अभी तो लग रहा है बिल्कुल बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, अभी डर सा नहीं लग रहा है। यहाँ समस्तीपुर के बस स्टैंड का हाल, एक भी बस नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा खाली, जहाँ बस भरी रहती है, चिल्लाते रहते हैं लोग, यहाँ की सवारी वहाँ की सवारी, देखिए पूरा बस स्टैंड खाली। माय गॉड, ऐसा कभी नहीं दिखा, ऐसा कभी नहीं दिखा मैंने बचपन से लेके अभी तक, मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए यहाँ सत्तू कितना बिकता है, हर जगह ये ठेले मिल जाते हैं, सत्तू पीते हैं लोग सुबह सुबह और मस्त दिन बिताते हैं, पेट भी भर जाता है और हेल्दी ड्रिंक भी होता है ना, नेचुरल हेल्दी ड्रिंक। ये देखिए मछली बाजार है और कितनी भीड़ है मछली के लिए। जिंदा खा जाइए, जिंदा नहीं खाएंगे भाई, पर वो आके भीड़ देखिए, सुबह सुबह मछली खाने के लिए इतनी लगी हुई है। हम लोग भी कुछ नॉनवेज ही लेने के लिए आए हैं तलाशते हुए। तो जो लोग भेज हैं प्लीज आँखें बंद कर ले। तो चलिए मैं आपको समस्तीपुर का मछली मार्केट दिखाती हूँ। ये हमारे एरिया का है, बड़ा नहीं छोटा ही है पर बहुत अच्छा है। Thank you.
आज सब कुछ मिल रहा है, पहले भी आई थिंक मिलता होगा क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, हम लोग इधर आते नहीं थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ता सब चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। लॉकडाउन काफ़ी लंबा चल गया, पर कितना दिन बंद रहेगा, खुलना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि रोजी रोटी काम करने से ही होगी, पैसे काम करने से ही आएंगे, घर में बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे का नज़ारा जो चाहिए था हम लोगों ने ले लिया, अब घर पे जाके बनाएंगे और खाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह विद्यालय जहाँ से मैं पढ़ के 10th पास किया था, और वो है ये, इसके सामने गेट दिख रहा है, ये वाला ये गेट दिख रहा है ना, अब नाम बदल चुका है, अब इसका राम बालक शारदा नंदन ऐसा कुछ हो गया। हमारे समय में ये देखिए आदर आरएस विद्यालय, देखा आप लोगों ने, तो ये जो महान इंसान है इसी में पढ़ लिख करके 10th का एग्जाम पास किया था। लेकिन उस स्कूल का नाम उस समय के इंटर कॉलेज था, तो जो लोग इस स्कूल में पढ़े होंगे जानते होंगे इस बारे में, और यहाँ का सबसे बढ़िया स्कूल, और भी स्कूल है अच्छे हैं लेकिन ये उस समय का बेस्ट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ नाम बदल गया, तो देखा आप लोगों ने। तो हम लोग उतर गए रिक्शा से, रिक्शा की सवारी हो गई, हम लोग घर के पास पहुँच गए, और थोड़ा सब्जी भी ले लेते हैं यहाँ पर, चलते हैं घर में। ये देखिए हम लोग मार्केट से लेके आए हैं, और यहाँ भी आ गया मछली, अब इनसे लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बचपन से हम ये मछली खिला रहे हैं। के फोन को तो मेरी का क्या है, मछली है, मछली है। तो आज खाएंगे खूब हम लोग। आज किचन में अजब सा उत्साह है, दोनों महिलाएं बहुत एक्साइटेड है, पता नहीं क्यों। फुल एक्साइटेड हो के आज खाना बन रहा है। ये देखिए पूरी तैयारी हो रही है लूडो खेलने की, इतनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, बीच में टेबल, उसके ऊपर पिलो, अब उसके ऊपर मोबाइल, चार प्लेयर चारों तरफ से लग चुके हैं ये लोग। हाँ तीनों, चार प्लेयर हो गए ना, तीनों अभी ये लोग लूडो खेलेंगे। डेली रूटीन टाइम के हिसाब से इतना पंक्चुअल स्कूल कॉलेज भी नहीं चलता। और हम लोग पी रहे हैं ग्रीन टी, तुमने पी रही है, ग्रीन टी पीजिए, कोरोना से ही बचेगा और खाना ही बचेगा है ना। तो हम लोग अभी शाम को एंजॉय करते हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलें बाय।